बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज़ और आपने बहन भाई रहने मेरे साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो मोहम्मद इनाम भी आ गया। मोहम्मद इनाम सुबह सुबह गया था, मुनीब भैया के साथ गया था जा के पापे, और दूध भी लेके आया। पापे मैंने यहाँ पर रखे मैं साइड पर। तो देखे जी इनाम मेरा भी कह रहा अभी मम्मा मुझे जल्दी जल्दी चाय बना के दो। मैंने चाय पापे खानी में अच्छा, अभी एक पापा मैंने दे दिया, अभी खाने लग रहा है जी। ओटी अच्छा, ये कहता है अभी ओटी भी साथ में। ओटी का मतलब यानी क्या कहता है, मुझे रोटी भी साथ बना के दो। जैसे ही आटा गूंद जाता है फटाफट बच्चों को नाश्ता को रखती हूँ। फिर अभी आग भी जलानी, लकड़ी वगैरह मैंने सना के हाथ मंगा ली हैं, तो मैंने कहा इतनी फटाफट आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद फिर आग जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ, फिर चाय पापा से नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद मैंने रोटी बनानी है। जो हमने कल लकड़ियाँ वगैरह काटी थी, तो आज भाई हमने डड़े वाला को कहा, मैंने कहा भाई ये आप सारी लकड़ियाँ ना हमारी सहन में डाल दें ताकि ये सूखती रहेंगी, सर्दियों में फिर जलने के आराम से ये काम आ जाएगी। पहले एक रेड़ी आई, अब ये दूसरी रेड़ी आ रही है। अभी मुनीब के पापा मुझे लग रहा है अभी उधर ही हैं, और मुर्गियाँ ही माशाल्लाह सुबह सुबह घूमने फिरने लग रही हैं। सामने की उधर भी मुनीब अपने खोले हुए हैं, वो उधर से लेके आए लकड़ियाँ। भाई ये ऊपर करके करना ताकि ना ये और आएंगी ना, फिर इसके ऊपर ही आ जाएंगी सारी। ये है आराम से ना, सर्दियों का आराम से बालन हो जाएगा। चलो अब चलती हूँ मैं जाके चाय वगैरह बनाती हूँ जाके। अल्हम्दुलिल्लाह से आग वगैरह मैंने जला ली है। तो मैं रात को ना बस ना, जब रात को जब सोते हैं ना तो सर्दी होती है, तो मच्छर भी तक खड़े में उनके दाने से निकल गए, मच्छर काटते हैं ना तो सारी छोड़ दिए दाने में ना। तो अब जिसके अंदर मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाह करके कि पत्ती पत्ती भी ख़त्म हो गई है। चलो मुनीब बेटा जब जाएगा ना दुकान पे, फिर पत्ती चीनी मंगा लेंगे ना। तो इसमें डाल दिए क्योंकि मुनीब के पापा अभी उधर ही गए हैं ना, तो लकड़ियाँ वगैरह वो उसके हर भाई के साथ लगे हुए हैं, तो जल्दी भी कहते हैं भी काम से पहले पहले ना जितनी लकड़ियाँ ढुलती हैं ना मैं ढो देता हूँ, फिर बाद में फिर भाई जो है ना वो खुद ही फिर अपना ढोते रहेंगे बाद में, क्योंकि फिर मुनीब के पापा ने काम पे चला जाना, फिर पीछे अकेला ही होगा वो, आप ही फिर करता रहेगा। खाला जी जी वो तवा देना, ये वाला तवा है। तो कावा वगैरह पक चुके हैं, तो आप जी बिस्मिल्लाह करके इसमें दूध डालती हूँ। मुनीब को सुबह सुबह ही भेज देती हूँ जाके ना दूध जाके ले आता करके। ये पराठा वाला तवा लेना, ये लो आराम से लेके जाना। चलो जैसे चाय बन जाती है, फिर मुनीब के पापा को बुलाती हूँ, उन्हें कहती हूँ भाई आके ना आप चाय पी लो, फिर जो काम है फिर अपना करते रहना। फिर आप भी माशाल्लाह सुबह सुबह आ गई हैं, हाजी साहब के साथ आई हैं। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी बेटी और मेरी बहनों ठीक ठाक हो कर करियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सब भी ठीक है। आप सुनाओ की तबीयत ठीक है? हां जी अल्लाह का शुक्र है। हां मम्मा नानी आई हुई है, नानी आई और रुकिया सर के साथ जा रही है अम्मी। हां जी वो हाँ वो कह रही थी ना दफ्तर में, हाँ वो बेनजीर के दफ्तर में थोड़ा बहुत काट कर। अच्छा अभी अच्छा 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 चलो ठीक है फिर आप बेनजीर है, नादरा दफ्तर है, नादरा नादरा दफ्तर, वो तो काफी दूर नहीं अम्मी। हाँ जी क्या हुआ? इनाम को टीका लग गया, आज इनाम के टीके ना मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया, पूरा कोरस मुकम्मल हो गया। मैं पूछी थी मैंने कहा कि दर्द तो नहीं हो गया, कह रहा नहीं वो जैसे पहले बच्चे में होता है ना भाई। हाँ जी नहीं 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 दर्द होने का बिल्कुल भी। अच्छा सही, इनाम दर्द आई हो रही है आपके? वो टांग तो खारा खोल कर यहाँ लग गया कह रहा। सही है चलो ठीक है, मैं जाना बैठो, चाय तो आप मैंने दे दिया आपको, चाय आपने पी ली है, और बनाऊँ चाय? नहीं। अच्छा चलो जी, रुकिया मैडम भी आने लग रही हैं, रुकिया सिस्टर अम्मी जान चली गई हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी भाभी जान से, भाभी कौसर से बात हुई है, तो पूछ रही थी तबीयत के बारे में, सारा का हाल वाल पूछ रही थी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है माशाल्लाह से, और ये सामने की तरफ देख सकते हैं हल लगने लग रहे हैं, ये मुझे लग रहा है उधर जा रहे हैं, मैं समझी भी इधर लग रहे हैं ये, हाँ वहाँ पर जहाँ पे वो लगी हुई थी ना छली वगैरह, छली वगैरह तो मकाई वगैरह सारी कट चुकी है, इधर मुझे लग रहा हल लगने लग रहे हैं, इधर भी शायद लगेंगे और उधर भी लगेंगे मुझे लग रहा है। चलो जी दिखाते हैं अपने प्यारे बहन भाइयों को, खैर वो बीच में से जाना पड़ेगा।
अब देख सकते हैं यहाँ पे जी लगने लग रहे हैं, भाई आया हुआ है ट्राली वाला और भाई फरीद भी खड़े हुए हैं। ये पूरे 8 महीने हल लगेगा, देखते हैं अभी इधर क्या लगता है क्या नहीं लगता। और माशाल्लाह मौसम भी बस बहुत ही अच्छा हो रहा है। गाय को भी हमने वहाँ पर बांधा हुआ है, भाई शौकत की खोती है, वो भी घास वगैरह खाने लग रही है। चलते हैं अब घर, देखते हैं जो काम है जाके करते हैं जाके। पानी पी रहे हैं, हम लोग बाहर आए थे तो ये देखिए कितना माशाल्लाह से पीटर जो है माशाल्लाह काफ़ी पक्का पीटर है और साफ़ सुथरा पानी है। अम्मी जान भी हमारे साथ हैं और हमने दवाई लेने के लिए गए थे अस्पताल तो चेक करवाना था, फिर उसके बाद जो हमें जैसा टाइम मिला हम अब यहाँ से घर जा रहे हैं। चलेगा चलेंगे। पानी पी रही है, अम्मी को प्यास लग रही है और यहाँ पर ये काल कोठरी है जिसमें सामान वगैरह रखते हैं हीटर का और साथ में यहाँ नलका भी है और ये देखिए कितना पानी आ रहा है। हीटर जो है बंद हो चुका है, काफ़ी पानी पूरी दे लिया है और माशाल्लाह से पौधे शौधे हर चीज़ है माशाल्लाह यहाँ पे सारी। देखें इसमें इधर यहाँ पर को वो लगती है, कनक भी लगती है, अब यहाँ पर आलू लगेंगे। और देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा बैठा हुआ, कितना खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ माशाल्लाह। इंशाल्लाह घर में आ चुकी हूँ और भाभी जान ने माशाल्लाह जी नया चूल्हा भी ले लिया और थोड़ी वगैरह बना ली ताकि दीवार वगैरह काली ना हो। माशाल्लाह सारे घर की अच्छी तरह सफाई वगैरह करी हुई, इसे देखो जी अली अकबर को शीशे वगैरह साफ कर। असल में ना नया घर है ना, नया नया जोश आएगा, जब हो जाएगा थोड़ा सा पुराना फिर किसने करना किसने नहीं करना। हाँ जी नहीं नहीं मैं उसकी अली अकबर की बात कर रही हूँ, आप लोग तो वैसे भी रोज साफ करते हो। अच्छा और अम्मी जान आप सुना ठीक है, तब भी ठीक है। रुपये सिस्टर आप अस्पताल गए थे क्या बताया? ओए 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 ये गुड्डा कौन लोला, ये मेला गुड्डा कौन लोला, ओए गुच्छा आ गया सोना इसने। अच्छा इस वजह से हो रहा है। ओए 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 और भाभी जान आप सुना ठीक है, तब भी ठीक है आपकी। रुकिया मैडम आप क्यों परेशान बैठे हो? चलो जी रुकिया मैडम, पथरी बस दिमाग से टा गई है टहम नाल। अच्छा अच्छा पथरी बताइए तो सुबह फिर चेक करवाना डॉक्टर साहब को कहना। अच्छा बस मेरा ना दिल नहीं लग रहा था घर में, मैं फिर इधर ही आ गई, मैंने कहा जाती हूँ ज़रा थोड़ा सा दिल भी परेशान हो रहा था, मैंने कहा चलो ना, मैंने कहा आपने कॉल करी थी ना भी हम आने लग रहे हैं तो शौकत भाई को मैंने कहा था भी आपको ना कोई सिस्टर बुलाने लग रही है तो शौकत भाई ने कहा मेरे ना गड्ढे में पेट्रोल खत्म हो गया मैं नहीं जाता। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं इनाम को सुबह फांसी टिक्का लगाया ना तो उसके ना वो ना लात अकड़ी हुई थी तो उसे फिर पैंडल का सिर्फ देख के वो तो सुकून से ना सोया हुआ जोली में सोया पड़ा आराम से। ओ वो तो लो नीचे आ जाओ आ जाओ, बाबा जी मारेंगे आ जाओ आ जाओ मशूम फातिमा आ जाओ आ जाओ। हाँ कि क्या देख रहे, दवाई देने लगी है ना, दवाई भी नहीं है काके ने, वो गुच्छा आ गया, वो गुच्छा आ गया, बस गुस्सा आ गया, कह रहा दवाई ना खिला दूंगा। सही है अभी मौसी के लिए पानी लेके आइए, बड़े प्यार से मोहब्बत से लेके आइए। सही है। और मम्मा यूसुफ नहीं सोया? ये लेकर सो गया नहीं, जाग रहा अभी देखो। ये सो भी रहा है। अच्छा भाई यहाँ से झूला लेते लेते सो जाएगा ये था। अच्छा तो सुबह से बड़ा था इसने, तो इसने फिर सोएगा, फिर उसे फिर नहीं सोएगा, फिर रात
ठीक है जी, ठीक है जी। नहीं पढ़ो बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दे। और मैं जाती हूँ, देखती हूँ भाभी शुक्रिया क्या कर रही है। मुझे लग रहा है भाई सदीक ना व्लॉग बना रहा है शायद। मुझे ना रहने देते, क्यों मंगाए, हम तो घर के थे, फिर आते। कोई बात नहीं, पंखा चला दूँ। अच्छा ये बड़ा सा सिस्टम है ना बटनों वाला, पहले ऊपर से बटन दबाएं ना इसका, जान से बंद किया है यहां से। आगे से रिमोट ऐसे कर दो, सामने रिमोट वो लेकर चलिए। खुद ही हो गया, वाह भाई वाह, ये तो अच्छा सिस्टम कर रखा है। हां जी, और रिमोट सामने रखा हुआ है ना। हां माशाल्लाह, पंखे माशाल्लाह बहुत प्यारे गिफ्ट मिले हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। नजर बस से वजह मैं भैया बहुत प्यारा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा गिफ्ट मिला माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे हैं। चलो ठीक है, आप खाना खाएं। माशाल्लाह जी, ये कमरा क्यों बंद कर दिया? अच्छा फीजा बटन ने करा बंद। अच्छा ये समोसे क्यों मंगाए भाभी? रहने देते बस, चाय पिला देते बस, वही बहुत है। हाँ जी चलो ठीक है जी। भाभी जरा अभी खाना खाने लग रही है, तो खा ली। टू टू आवाज आ रही है, ये पंखे की आ रही है शायद मेरा। नहीं पंखे की नहीं आ रही है, लाटा दे दो, तो लाते हैं लाटा या राता लाटा। वो सदके जाऊँ भाई, लाटा दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई, जो मांगे ये थे थोड़ा सा दे दो, ये इसका खुद का दिल कर। अच्छी सी चाय बना ला, चाय पीते हैं अभी। ठीक है चलो आराम से गिराना नहीं, ठीक है आराम से खा लो। तो यहाँ पे जी भाभी जान ने ये प्याज भी हैं, दही हैं और चने हैं और साथ में समोसे हैं। नई जगह से लेके आए, ये तो आप लेके चले। अच्छा चलो जी मैं ले जाती हूँ। मैं कह मेरी जेब में क्या है, क्या चीज़ है? पैसे रखे हुए हैं। अच्छा मैं समझ गया क्यों खजाना खजूना रखा हुआ है। मैं कह रही जगह क्यों फुली फुली है, ये नहीं पता मुझे को, मैं ना पैसे। अच्छा ये ये नया स्टाइल चला है ना जेब का, इसमें मोबाइल वगैरह। मुझे भाभी सारा कह रहे कह रही आप भाप, क्या नाम है भाई, आप ही आपने जेब में लगाओ बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा मेरे पास स्टाइल चला है ये। अच्छा सही, मैंने एक ये सूट पे जेब लगवाया, एक और सूट है ना वो माफिया सिस्टर ने भेजा था, ये भी माफिया। नहीं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है, माशाल्लाह खिल रहा है माशाल्लाह। उस पे भी मैंने ऐसी जेब लगवाई है, दर्जन से और इस पे भी। सही है चलो जी आ जाओ फिर। भाभी शुक्रिया, समोसे वगैरह लेके आ गई हैं। और ये आपने मुझे ये कहा था ये प्याज, ये भी मैं ले आई। वसल वसल या वसल आदन सरा कीजिए, वसल आदन सारी यानी कि जुबान में प्याज का प्याज कहते हैं। सही है भाई सदीक भी अपना काम कर रहा आज, अल्लाह का नाम लेके खा रहे। कुछ नहीं होता अल्लाह मान लिया जी। जी भाई ठीक है जी, दो दिन हो गए मेरा नेट नहीं था। अच्छा नेट वाकई में भाई सबका स्लो हो रहा है, चैनल का थंबनेल नहीं लगा, ओ गांव वाले का नहीं लगा। हां अक्सर का नहीं आता, बाद में मैरिज विदाउट बिल्कुल वाले का नहीं लगा। हां जी हां जी, सादिया का नहीं लगा। ओ माश बना लो पे लगा, चलो कोई बात नहीं, बना लेने में 25 मिनट लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है जी, मैं पिला देती हूँ, कैमरा बंद करती हूँ, मैं पिला देती हूँ। देखती है, देखती हूँ कि जारा क्या कर रही है, चाय बना रही है। इधर जारा चाय जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप इकट्ठे कर देना, मैं धो दूंगी बर्तन, मैं धो दूंगी। नहीं नहीं कुर्बानी, कोई बात नहीं। अ तोते ऊपर है मिठू, आवाज आ रही है ना वहाँ पे, ओ मुझे लग रहा है साइड पे रखे हुए ऊपर बारी। अच्छा हाँ जी हाँ, नहीं ऐसा करा कर ना जी जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ चंदा को नीचे यहाँ पे ना सामने रहेगा ना, कुछ भी होएगा। हाँ नहीं क्या सही है, चलो ठीक है आप चाय बनाएं, जो आगे का भी लोग होएगा वो प्यारे बहन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मज़े की चाय बनाने का। नहीं नहीं बहुत मज़े की चाय बनी हुई थी, जो चाय पहले कूल ओला था, कुआ गया था, गुच्छा वाला था, कूल ओले को मम्मा को इतना तंगू कर ले। गंदे मम्मा काम ना करे, सीधा मुझे पकड़ के रखे। हां बस काम
अब्बा करेगा, अब्बा काम करेगा। ये काम करेंगे, सही है। ये नहीं, यूसुफ से काम कराया करो, ये खुद ही काम करेगा अपने। इतने बुग्गे में मच्छर काट गए हो युद्ध के मच्छर। बाकी में ये नया घर है ना, बल्कि नए घर में तो मच्छर होने नहीं चाहिए, क्योंकि सफाती वगैरह हुई हुई है ना, पेंट वगैरह हुआ है, तो इस वजह से। चलो जी यूसुफ, यूसुफ हम जा लें, बाय बाय। चल चलो ठीक है, बाय 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 बाय। अल्लाह हमने की तरफ देख सकते हैं कितना है प्यारा, ज़बरदस्त बादल आ रहा है और ठंडी ठंडी माशाल्लाह हवा चल रही है। रुकिया सिस्टर अम्मी जान मेरे साथ ही हैं, इधर भी मुझे लग रहा कुछ भी नहीं है। हाँ जी क्या हुआ बकरिया, मुझे लग रहा भाई ने ना बाहर गई मैं घूमने के लिए। जानवर होता है ना ये, ना चलता फिरता रहना सही रहता है, अगर ये घर में रहे ना ये फिर जानवर ना बीमार हो जाता है। हाँ जी सही रहेगा। हाँ जी और जी प्यारे बहन भाइयों, जो हमने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कौन सी खुशखबरी आई है, वो खुशखबरी ये है कि भाभी कौसर है ना, उसे अल्लाह पाक इतनी प्यारी नेमत वाली बेटी अता फरमाई है अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक मेरे भाई को भी सलामत रखे और मेरी भाभी को भी सलामत रखे। और जैसे मैंने कहा था अभी, अल्लाह पाक बस हमारी खुशियों को नज़र न लगे, ऐसे ही खुशियाँ आगे, यानी कि जिस सबको जिस तरह बहन भाई देते हैं अल्लाह पाक हर किसी को ऐसे खुशियाँ। आमीन आमीन। हमें तो यकीन करो जैसे भी पता लगे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। वो देखो सामने की तरह इब्राहिम देख रहा है, जात कर रहा है, चाय पी रहा है। हाय माशाल्लाह। हाँ जी नीचे से देखो इतना प्यारा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। वो ना वहाँ पे ना जरा ना जरा खजल खुआरी थी और बहुत ज़्यादा ना तंग होते थे आने जाने में, जब बारिश आती थी तो बहुत ज़्यादा यानी कि ना भी तंग होते थे। अब यहाँ पे ये बड़ी तंग होते थे बाकी में, सही बात है सही बात है। हाँ जी जब इंशाल्लाह मैं जाऊंगी भाभी कौसर के बाद इंशाल्लाह जी, फिर हम अपना छोटी सी बीबी भी लाजमी दिखाएंगे। हाँ जी वो भाई सदीक कह रहे थे भाभी शुक्रिया ने गोदी में लिया है, तो भाभी शुक्रिया के पास तो माशाल्लाह खुश होकर आ गई, जब भाई सदीक ने गोदी में लिया ना तो भाई सदीक को देख के उन्होंने लग गई है। हमें देखे कि पता नहीं फिर हमें क्या कहेगी, बस छोटा बच्चा है ना आपको पता फिर। और चलो जी जल्दी जल्दी घर चलते हैं, जाके अपना कुछ खाना पकाना भी जाके फिर करना, जाके ऐसे ऊपर चढ़ना अम्मी जी अपने आराम से चढ़ना। रुकिया सिस्टर खास तौर पे आपने आपने तो ये माशाल्लाह ये गगरा मगरा पहना हुआ है ना, ये मुझे अच्छा लगता है, इससे इज्जत रहती है। हाँ सही बात है, ढका ढका सही बात है सही बात। ऐसे 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 जल्दी 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 ऐसे जल्दी जल्दी चढ़ जाने ऊपर। वो देखो सामने की तरफ बकरियाँ माशाल्लाह सी जी। क्या कह रहे हो, रुके आज 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 नहीं नहीं वो तो पता लग रहा है, ऐसे रेड बनी हुई है ना, बारिश है ऐसे स्लिप होते हुए नीचे की तरफ जाओ, मजे से जाएंगे बहुत ही प्यार। सिस्टर सही, मैं तो कह रही यहीं पे ना रात को ना चार पाइयां बिछा के यहीं सो जाते हैं। वो सामने हमारा प्यारा सा विलेज है, विलेज गाँव भी है। चलो जी चलते हैं जी, वो था पुराना घर, यादें रह गई हैं बस। हाँ जी यादें रह गई है ना। हाँ जी पुराना मोहल्ला। हाँ जी चलते हैं फटाफट, वो तो किराया का था अपना। हाँ जी हाँ जी अल्लाह पाक ने अब तो अपना दे दिया, अल्लाह पाक बस अल्लाह पाक उन्हें भी दे, सही बात है सही बात है। इसे तो बेचारी की तो बेचारी सूख ही गई है बेचारी, इसके पास एक भी पत्ता नहीं लगी है बेचारी को। बस सूख गई है, हुकूमत की है ना ये टालियाँ।